गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, स्केलेटल सिस्टम। और स्केलेटल सिस्टम में अपन क्या पढ़ रहे थे, फेस की बोन के बारे में क्या है अपन डिस्कस कर रहे थे, तो उन्हीं को अपन क्या है कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार नया पॉइंट स्टार्ट करने से पहले जो अपन ने फेस की जो पहले बोन के बारे में डिस्कस किया था उनको एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। Palatine bone. These are two L shaped bone. ये क्या है, दो L shaped दो bone होती हैं। किस type की होती हैं? L shaped इनका क्या है होता है। The horizontal part until to from the posterior part of the hard palate and the perpendicular part project upward to form part of the lateral wall of the nasal cavity. तो जो इसका horizontal part है वो किस कहाँ पे होता है, हॉरिजॉन्टल पार्ट अंटिल टू फॉर्म द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द हार्ट पैलेट। और जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे है, परपेंडिकुलर पार्ट प्रोजेक्ट अपवर्ड टू फॉर्म पार्ट ऑफ द लेटरल वॉल ऑफ द नेजल केविटी। एट द अपर एक्सट्रीमिटीज दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। और जो अपर एक्सट्रीमिटीज है वो क्या है, दे फॉर्म पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल केविटी। नेक्स्ट अपना इंफीरियर कॉन्काइल, ये क्या है, ईच कॉन्काइल इज ए स्क्रोल से बोन। ये क्या है, स्क्रोल टाइप की क्या है बोन होती है। Which form part of the lateral wall of the nasal cavity and project into it below the middle cochlea. The superior and middle cochlea are present of the ethmoid bone. Superior और middle है वो कहाँ पे है, present of the ethmoid bone. Next अपना है mandible. Mandible में क्या होता है, दिस इज द ओनली मूवेबल बोन। मैंडिबल क्या है, एक मूवेबल बोन है, ठीक है, किसकी, स्कल की। इट ओरिजिनेट एज टू पार्ट विच अंटिल एट द मिड लाइन। ये क्या है, इट ओरिजिनेट एज टू पार्ट विच अंटिल एट द मिड लाइन। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ टू मैन पार्ट, प्रत्येक हाफ क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू मैन पार्ट, ए कर्व बॉडी विद द एलोअर रिज कंटेनिंग द लोअर टीथ एंड रैम्स विच प्रोजेक्ट अपवर्ड ऑलमोस्ट एट राइट एंगल टू द पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी। तो मैंडिबल क्या है, मैंडिबल ही एक क्या है ऐसी बोन है, किसकी, स्कल की, जो क्या है अपने मूवेबल होती है। इट ओरिजिनेट एज टू पार्ट, ये क्या है, दो पार्ट से मिलकर बनी होती है, और इसके जो दो पार्ट होते हैं वो प्रत्येक हाफ जो है, प्रत्येक पार्ट है वो भी क्या है, दो पार्ट से बना होता है। A curved body with the alar ridge containing the lower teeth and rams which project upward almost at right angles to the posterior end of the body. At the upper end, the rams divided into condyle process, which articulate with the temporal bone to form the temporomandibular joint, and the corondyle process the
दैट गिव अटैचमेंट टू द मसल्स एंड लिगामेंट एट द अपर एंड द रैम्स डिवाइडेड इन टू कॉन्डाइलर प्रोसेस विच आर्टिकुलेट विद द टेम्पोरल बोन. किसके साथ रहती है? टेम्पोरल बोन के साथ. टू फॉर्म द टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट. और किसके द्वारा? टेम्पो मैंडिबुलर ज्वाइंट के द्वारा. एंड द कॉरोनरी प्रोसेस दैट गिव अटैचमेंट टू मसल्स एंड लिगामेंट. और क्या करती है ये? अटैचमेंट प्रोवाइड कराती है किसको? मसल्स को और लिगामेंट को. द पॉइंट वेयर द रैम्स ज्वाइंट द बॉडी इज एंगल ऑफ द जॉ. नेक्स्ट जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या दिखाया गया है आपको? एक डायग्राम दिखाया गया है जिसके अंदर क्या है, लेफ्ट मैंडिबल जो है उसका लेटरल व्यू दिखाया गया है. इसके अंदर क्या है, कॉरोनरी प्रोसेस दिखाई गई है, मैंडिबुलर नोस दिखाया गया है, कॉन्डाइल प्रोसेस दिखाई गई है, रैम्स दिखाया गया है, और एंगल ऑफ द मैंडिबल दिखाया गया है आपका, और बॉडी है, और मेंटल प्रोट्यूबेंस दिखाया गया है. नेक्स्ट अपनी है हायोड बोन. दिस इज एन आइसोलेटेड हॉर्स शू शेप बोन लाइंग इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द नेक जस्ट अबव द लेरिंग्स एंड बिलो द मैंडिबल. इट डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन बट इज अटैच टू द स्टर्ट प्रोसेस ऑफ द टेम्पोरल बोन बाई लिगामेंट. इट गिव अटैचमेंट टू द बेस ऑफ द टंग. This is an isolated horseshoe-shaped bone lying in the soft tissue of the neck, just above the larynx and below the mandible. It does not articulate with any other bone, but is attached to the sclerotic process of the temporal bone by ligaments, and it give attachment to the base of the tongue. और ये क्या प्रोवाइड कराती है base को? Attachment to the base of the tongue. Base जो base है वो provide कराती है. नेक्स्ट है साइनस. साइनस कंटेनिंग एयर आर प्रेजेंट इन द स्फिनॉइड, इथमोइड, मैक्सिलरी एंड फ्रंटल बोन. दे ऑल कम्युनिकेट विद द नेजल कैविटी एंड आर लाइन विद सीलेटेड म्यूकस मेम्ब्रेन. देयर फंक्शन आर टू गिव रेजोनेंस टू द वॉइस, टू लेंथन द बोन ऑफ द फेस एंड क्रेनियम, मेकिंग इट एज फॉर द हेड टू बैलेंस ऑन टॉप ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम.
नेक्स्ट है फंटाइल्स ऑफ द स्कल। क्या है एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है, और मैस्टॉइड और स्फेनॉइडल, ये क्या है चार होते हैं अपने, क्या फंटाइल्स होते हैं, और चार अपने क्या है सूचर होते हैं। कौन से इंपॉर्टेंट सूचर है अपने, कॉर्नल सूचर है, फ्रंटल सूचर है, लैम्बडल सूचर है और सजाइटल सूचर है, ये है इस डायग्राम के अंदर अपने को दिखाया गया है। एट बर्थ ऑसिफिकेशन ऑफ द कॉर्नर क्रैनियल सूचर इज इनकम्प्लीटेड वेयर थ्री और मोर बोन मीट देर आर डिस्टेंस मेम्ब्रेन्स एरियाज ऑफ फंटनेंस द टू लार्जेस्ट आर द एंटीरियर फंटनेंस नॉट फुली ऑसिफाइड एंटिल द चाइल्ड इज 12 to 18 मंथ ओल्ड एंड द पोस्टीरियर फंटनेंस यूजली ऑसिफाइड 2 to 3 मंथ। जो पोस्टीरियर है वो कब होता है 2 to 3 मंथ आफ्टर बर्थ, और जो ऊपर वाला है वो कौन सा है 12 to 18 मंथ तक होता है। द स्कल बोन डू नॉट फ्यूज बिफोर बर्थ टू अलाउ मॉडलिंग ऑफ द बेबी हेड ड्यूरिंग इट पासेस थ्रू द बर्थ कैनाल। नेक्स्ट अपना है वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर क्या है अपनी जो वर्टिब्रा है वो दिखाई गई है, ठीक है, इसके अंदर क्या है आपकी एटलस और एक्सिस बोन है, वो सॉरी वर्टिब्रा है, सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक है, लंबर है, सेक्रम है और कॉकिक्स है, ये क्या है दिखाई गई है। तो इसमें क्या है आपकी 7 सर्वाइकल हो गई, 12 क्या हो गई आपकी थोरेसिक हो गई, और 5 क्या है आपकी लंबर हो गई, ठीक है, और क्या हो गई सेक्रम और कॉकिक्स हो गई, ये क्या है आपकी वर्टिब्रा होती हैं। तो जो अपना वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या अपनी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्रा होती हैं, 1 सेक्रम होता है और 1 कॉकिक्स होता है। इन सब से मिलके क्या है अपनी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बनता है। वर्टिब्रल कॉलम, दीज वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 24 सेपरेट मूवेबल इरेगुलर बोन, ठीक है, ये क्या है 24 सेपरेट मूवेबल बोन है इरेगुलर बोन से, उनसे मिलकर क्या बनता है द सेक्रम जो है वो क्या है 5 फ्यूज बोन है, सेक्रम कितनी होती है 5 फ्यूज बोन होती है, और कोकिक्स में कितनी होती है 4 फ्यूज बोन होती है, ठीक है। द 24 सेपरेट बोन आर इन 3 ग्रुप, जो 24 सेपरेट बोन है वो क्या है मूवेबल जो है, उनमें 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं और 5 लंबर होती हैं, इनके अलावा जो सेक्रम है वो क्या है अपने आप में 5 फ्यूज से मिलकर बनी होती है, और कोकिक्स है वो क्या है अपने आप में 4 फ्यूज बोन से मिलकर बनी होती है। द मूवेबल वर्टिब्रा हैव मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन बट ग्रुप्स हैव डिस्टिंक्टिव फीचर्स।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिपिकल वर्टिब्रा, द बॉडी ऑफ ईच वर्टिब्रा इज सिचुएटेड एंटीरियरली, जो बॉडी है वो कहाँ पे सिचुएटेड होती है, प्रत्येक वर्टिब्रा के एंटीरियरली क्या है वो सिचुएटेड होती है, द साइज वेरियस विद द साइट, इसकी क्या डिफरेंट डिफरेंट साइज होती है कहाँ पे, साइट के अकॉर्डिंग, दे आर स्मॉलेस्ट इन द सर्वाइकल रीजन एंड बिकम लार्जर टूवर्ड द लंबर रीजन, सर्वाइकल रीजन में क्या है स्मॉलेस्ट होती हैं और जो लार्जर है वहाँ कहाँ पे होती है, अपना जो लंबर है वहाँ पे क्या है ये लार्जर होती हैं। नेक्स्ट है क्या है, वर्टिब्रल न्यूरल, द आर्च एनक्लोज ए लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन, द रिंग ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ टू पेडिक दैट प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी एंड टू लेमनी, वेयर द पेडिकल्स एंड लेमनी एंटिल ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोजेक्ट लेटरली एंड वेयर द टू लेमनी मीट इन द मिडिल पोस्टीरियरली दे फॉर्म ए स्पाइनस प्रोसेस, द न्यूरल आर्च हैज फोर एंड आर्टिकुलर सरफेस, टू आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल अबव एंड टू विद द वन बिलो, द वर्टिब्रल फोरामिना फ्रॉम द वर्टिब्रल न्यूरल कैनाल दैट कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, तो वर्टिब्रल न्यूरल में क्या होता है, द आर्च एनक्लोज ए लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन, ठीक है, किसके साथ एनक्लोज होती है, लार्ज वर्टिब्रल फोरामेन के साथ, द रिंग ऑफ बोन कंसिस्ट ऑफ टू पेडेमिक दैट प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी एंड द टू, जो ये बनती किससे है, जो रिंग है वो टू पेडेमिक से क्या है ये पेडिकल्स, दो पेडिकल्स से क्या है मिलके बनती है, दैट प्रोजेक्ट बैकवर्ड फ्रॉम द बॉडी एंड लेमनी, वेयर द पेडिकल्स एंड लेमनी एंटिल ट्रांसवर्स प्रोसेस प्रोजेक्ट लेटरली एंड वेयर द टू लेमनी मीट इन द मीडियल पोस्टीरियरली दे फॉर्म ए स्पाइनस प्रोसेस, द न्यूरल आर्च हैज फोर आर्टिकुलर सरफेस, टू आर्टिकुलेट विद द वर्टिब्रल अबव एंड टू विद इन द वन बिलो, इसके अंदर क्या है न्यूरल आर्च है वो चार आर्टिकुलर सरफेस होती है उसमें, ठीक है, दो किससे आर्टिकुलेट रहती है वर्टिब्रा से और दो क्या है एंड टू विद द वन बिलो, द वर्टिब्रल फोरामेना फॉर्म द वर्टिब्रल न्यूरल कैनाल दैट कंटेन द स्पाइनल कॉर्ड, जो डायग्राम है उसके अंदर क्या अपने को सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई गई है, इसके क्या टिपिकल फीचर्स जो हैं वो क्या है इसके अंदर दिखाए गए हैं, तो ये क्या है ट्रांसवर्स फोरामेन है किसका, वर्टिब्रल आर्टरी का, ये पेडिकल्स हो गए, एंटीरियर प्रोसेस हो गई, ठीक है, बॉडी हो गया, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, ठीक है, वर्टिब्रल फोरामेन हो गया, लेमना हो गया और बिल्ड स्पैन हो गई, ये क्या है आपका एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर क्या है इसमें दिखाया गया है।
नेक्स्ट क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रेन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। स्पेशल फीचर्स क्या है, द स्पेशल फीचर्स ऑफ द वर्टिब्रा इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। सबसे पहले क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, द ट्रांसवर्स प्रोसेस है फोरमेन थ्रू विच ए वर्टिब्रल आर्टरी पास अपवर्ड फ्रॉम द ब्रेन। जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो क्या है, फोरमेन, एक फोरमेन रखती है थ्रू विच ए वर्टिब्रल आर्टरी, किसके द्वारा, वर्टिब्रल आर्टरी पास अपवर्ड टू द ब्रेन, और कहाँ पे पास होती है, पास अपवर्ड टू द ब्रेन। द फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रा आर एटिपिकल, जो दो सर्वाइकल एटिब्रा जो वर्टिब्रा है वो क्या है, एटिपिकल होती है। द एटलस इज द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, एटलस है वो क्या है, फर्स्ट होती है, और एक्सिस है वो क्या है, सेकेंड होती है। एंड इट कंसिस्ट सिंपली ऑफ ए रिंग ऑफ बोन, ये क्या है, सिंपली एक रिंग होती है बोन की, उससे बनती है विद टू शॉर्ट ट्रांसवर्स प्रोसेस। इसके साथ क्या है, सिंपली रिंग होती है और दो क्या है इसके अंदर छोटी ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जिससे क्या है ये बनती है। तो एटलस क्या है, फर्स्ट आपकी सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है, और एक्सिस क्या है, आपकी सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है। नेक्स्ट क्या है, द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्ज वर्टिब्रा फोरमेन इज ऑक्यूपाई विद द ऑन्टर्ड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाय द ट्रांसवर्स लिगामेंट। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द लार्ज वर्टिब्रल फोरमेन इज ऑक्यूपाई विद द ऑन्टर्ड प्रोसेस विद ऑफ द एक्सिस विच इज हेल्ड इन पोजिशन बाय ए ट्रांसवर्स लिगामेंट। दस द ऑन्टर्ड प्रोसेस फॉर्म द बॉडी ऑफ द एटलस, क्या बनाती है, बॉडी ऑफ द एटलस बनाती है। द पोस्टियर पार्ट इज द ट्रू वर्टिब्रा फोरामेन, जो पोस्टियर पार्ट है वो क्या है, ट्रू वर्टिब्रल फोरामेन होता है, एंड इज ऑक्यूपाइड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, और किसके साथ ऑक्यूपाई रहता है, ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ क्या है, ऑक्यूपाई रहता है। ऑन द सुपीरियर सरफेस द बोन हैज टू आर्टिकुलर फैक्ट विच फॉर्म जॉइंट विद द कॉन्डाइल्स ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल। द नोडिंग मूवमेंट ऑफ द हेड टेक प्लेस एट दीज जॉइंट। सुपीरियर सरफेस के अंदर क्या होता है, ऑन द ऑन इट सुपीरियर सरफेस द बोन हैज टू आर्टिकुलर फैक्ट, दो आर्टिकुलर फैक्ट होते हैं, विच फॉर्म जॉइंट विद द कॉन्डाइल्स ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन ऑफ द स्कल। The nodding movement of the head take place at this joint. The axis is the second cervical vertebra. Axis क्या है, वो अपनी second cervical vertebra होती है। The body is small and two upward projection on direct process or dense with the that articulate with the first cervical vertebra, the atlas. The movement at this joint is turning the head from side to side. Next जो अपना डायग्राम है, डायग्राम के अंदर क्या चीज दिखाई गई है अपने को, सर्वाइकल वर्टिब्रा दिखाई गई, किसमें, एटलस दिखाई गई है, एक्सिस दिखाई गई है, ठीक है, और एटलस और एक्सिस की जो पोजीशन है, इसके अंदर जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है वो इस डायग्राम के अंदर क्या है अपने को दिखाए गए हैं। तो ये क्या है, एटलस हो गई, ये क्या है आपकी एक्सिस हो गई, और ये क्या है, इसके अंदर एटलस एंड एक्सिस की जो पोजीशन है
उसके अंदर जो आपके ट्रांसवर्स लिगामेंट जो हैं वो क्या है इसके अंदर शो किए गए हैं। नेक्स्ट जो कल अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा अपना, उसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, थोरेसिक वर्टिब्रा। थैंक्स टू ऑल।